स्नान करते अचानक साधु की मौत हो गई। शमशान घाट स्थित यमुना किनारे पर साधु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शिनाख्त शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार साधु भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करता था, जो कि यमुना स्नान को आया था, जिसकी अचानक आकस्मिक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शमशान घाट स्थित यमुना किनारे पर गुरुवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब यमुना स्नान को आए कुछ लोगों ने एक साधु के शव को यमुना में तैरते देखा। घंटों बाद भी जब साधु ने करवट तक नहीं बदली तो लोगों को कुछ अनहोनी की आशंका हुई, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने साधु के शव को पानी से बाहर निकाल कर शिनाख्त शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार उक्त साधु की उम्र लगभग 50 वर्ष है, जो कि भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करता था, जो आज यमुना स्नान को आया था, जिसकी अचानक मौत हो गई। जिसके शव को ब्रज गोलक सेवा समिति को सौंप दिया गया, जिसका समिति द्वारा यमुना के तट पर अंतिम संस्कार कराया गया। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बबलू। कहाँ के रहने वाले? केसी घाट के रहने वाले। क्या मामला है यहाँ पे? यहाँ पे साधु नहाने के लिए आया था, अगर ये बच्चा मांगता था, ये परिक्रमा मार्ग में सुदामा कुटी जैसा जहाँ मिलता था, ये नहाने के लिए आया था। ऐसे ही ऐसा रह गया, सोता ही। तो अब आप लोगों ने क्या किया सर? हम ये इसका सभी लोग मिलकर निर्देशन जगह करा रहे हैं। सभी लोग आ गए, यहाँ पुलिस वालों से फोन किया, पुलिस भी आ गई, सभी लोग आ गए यहाँ का। एक आध तीन लोग आए हैं, सब इसका देशंकर करा रहे हैं। अज्ञात है। और कुछ जानते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं जानते। कब देखा इसको, किसने देखा? हमने तो ये भीख मांगते हुए देखा है, सुदामा कुटी कभी कहीं ऐसा है। यहाँ पे किसने देखा इसको पहले? यहाँ तो ऐसा आदमियों ने देखा था, जब ऐसा यहाँ मालूम पड़ी थी, जब पुलिस आई थी, जब उसका क्रियाक्रम करा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास चौधरी है, ब्रज गोलोक सेवा समिति का अध्यक्ष। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर रंगी चौकी के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने अपने आदेश के अनुसार वहाँ से अपने पुलिसकर्मी भाई भेजे, तो कोई लावारिस बाबा था जो भिक्षुक करके अपने जीवन यापन करता था वृंदावन धाम में, तो अपना वहाँ पर अपना शरीर छोड़ दिया आज उन्होंने। तो रंगी चौकी इंचार्जों ने अपने पुलिसकर्मी भाई भेज कर मुझे सूचना दी, एक लावारिस बाबा यहाँ मृत पड़ा हुआ है। तो हम लोग आए अपने एक दो कार्यकर्ताओं के साथ में लेके, और सभी के सहयोग से ये हिंदू रीति रिवाज से जमुना घाट पर पुलिस प्रशासन हमारे साथ मौजूद है। इन सभी के सहयोग से हिंदू रीति रिवाज, जैसे अपने माता पिता का हम लोग जैसे दाह संस्कार करते हैं, उसी प्रकार इनका दाह संस्कार करेंगे। हर वर्ष जो उनका हम लोग श्राद्ध करते हैं, वो श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है, हर वर्ष श्राद्ध करते हैं, करीब 2009 से बराबर इनका हर महीना श्राद्ध करते हैं, साल में बड़ा श्राद्ध करते हैं। अपने माता पिता समाज के जैसे इनका संस्कार करते हैं लाभरसों का, उस तरीके से हम लोग करते चले आए, करेंगे। और पुलिस प्रशासन हमारे साथ हमेशा सहयोग रहता है, आज भी इन्होंने सूचना दी। तो बाबा का विधि विधान से जो संस्कार हम लोग करते चले आए हैं करीब 9-10-11 साल से, उसी प्रकार से बाबा का भी हम लोग संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। क्या इनके बारे में कुछ जानकारी मिली अभी तक, कि कौन है, कहाँ से रहने वाले थे, किस तरीके से? नहीं, जानकारी तो ये मिलती ना, इनके पास कोई एड्रेस निकले, ये तो बेचारे अपना जहाँ से भी जो भी प्रांत है वहाँ से छोड़ के आते हैं, वृंदावन धाम रहेंगे, वहाँ माँ ठाकुर जी के धाम में रहेंगे, भजन करेंगे, अपना जहाँ मिल जाएंगे वहाँ सोएंगे, जहाँ कुछ मिल जाएगा भूखे प्यासे जो मिल जाएगा खा लेंगे, कोई मकान नहीं कुछ नहीं, ऐसी रोड पर सो जाते हैं। कोई एड्रेस मिलता है, कुछ सूचना मिलती, कोई डायरी मिलती, पुलिस प्रशासन पूरा इनको देखता है, पूरा मतलब पूरा छानबीन करके हम लोगों को हैंड ओवर करता है। पुलिस प्रशासन जैसे नहीं लापरवाही करके ऐसे बॉडी को दे दिया, प्रशासन ने पूरा इस बाबा के बारे में जानकारी की है, तो उनको कोई अता पता नहीं मिला। लावारिस तो इसीलिए लावारिस कहा जाता है, कोई इनका किस प्रांत से आया, कहाँ से आया, कोई अता पता नहीं मिल पाता है, इसलिए लावारिस को समझ कर इनका वृंदावन धाम में अंतिम संस्कार किया जाता है। इनकी उम्र कितनी बताई जा सकती है? उम्र करीब होगी 60 वर्ष के करीब आसपास होगी। फिरोजाबाद में पुलिस